हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती बोर्ड हो, भर्ती आयोग हो, उसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने एक बड़ा जो है मुद्दा उठाया है। जिस प्रकार से PET के नाम पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है कि आखिरकार PET से क्या चीज़ की, इस चीज़ की गारंटी है कि भर्तियाँ निष्पक्ष रूप से बिल्कुल किसी भी बिना किसी गड़बड़ी के पूरा हो पाएंगी, ये कुछ क्या कुछ सही हो पाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार विपक्षी दलों का जो हमला किया जा रहा है सरकार के ऊपर। उसी से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी कुछ बयान जारी किया है, ट्वीट किया है, आगे हम सभी लोग देखेंगे। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए ज़रूरी हो सबसे पहले आप तक राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा सके। देख सकते आप सभी लोग लगातार मायावती के द्वारा जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ रहा है और मायावती ने भी इसके संबंध में जो है ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई है, भाजपा सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है प्रत्येक विपक्षी दल के द्वारा, राजनीतिक दल के द्वारा। अब उसी श्रेणी में मायावती ने भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हित के लिए बात कही जा रही है। आपको पता होगा अभी कुछ ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के भी द्वारा एक बयान जारी किया गया था कि पहली अगर हमारी सरकार 2022 में आती है तो हम लोग पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। तो निश्चित तौर पर अब समय कुछ जो है घोषणाओं का है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अब लगातार जो है इसके संबंध में रोज़गार के संबंध में विशेष तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, जिला पंचायत का हो या फिर आपके ग्राम पंचायत का हो, सभी को लेकर के जिस प्रकार से प्रदेश में अभी शोर शराबा मचा हुआ है तो इसको लेकर के लगातार जो है ट्वीट किए जा रहे हैं मुख्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कुछ मायावती ने क्या कहा भर्तियों को लेकर के, यहाँ से उसके अंश कर सकते हैं। बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और मायावती ने ट्वीट किया है कि यूपी समेत देश भर में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने को भी मजबूर है। उनके माँ बाप जो ये सब देख रहे हैं उनकी व्यथा को समझा जा सकता है, ये दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व अति चिंताजनक है। अगर बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर ही चलती रही तो फिर इस पार्टी की भी वही दुर्दशा होगी जो कि कांग्रेस की हो चुकी है, जिस पर बीजेपी को गंभीरता से जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी ऐसी नीति व कायाकल्पों से न तो जन कल्याण और न ही देश की आत्मनिर्भरता संभव हो पा रही है। मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है कि बीजेपी, ये देखिए ट्वीट भी किया गया है BSP अध्यक्ष मायावती की तरफ से। मायावती ने ट्वीट किया है कि यूपी समेत देश भर में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने को लेकर मजबूर हैं। तो दोस्तों